ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ। इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं। तो अखिलेश यादव ने लगा दी दहाड़ कि समाजवादियों को नहीं रोक सकती बल्लियां, नहीं रोक सकती ये बैरिकेडिंग्स। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे वहीं पर। सीधे कह रहे हैं कि जेपी की जयंती वहीं मनेगी। दे रहे हैं योगी सरकार को चुनौती, पुलिस को चुनौती कि कब तक रोकोगे, जेपीएनआईसी में ही मनाएगी सपा जयप्रकाश नारायण की जयंती। हाथों में माइक थामे सपाइयों से घिरे अखिलेश यादव पुलिस फोर्स के आगे, बड़े बड़े अधिकारियों के आगे गजब चेतावनी दे गए। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर जब अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोका गया और अखिलेश यादव के घर के बाहर पहरा लगा दिया गया, तो अखिलेश ने न केवल सड़क पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का माल्यार्पण कर दिया बल्कि सीधे सीधे योगी सरकार को धमका भी गए। योगी सरकार की बड़ी साजिश समझा गए, आरोपों की झड़ी लगा गए। सुनिए। पता नहीं सरकार क्या कारण है, शांति के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जय नायक जय प्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे वहीं पर। हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। दरअसल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, लखनऊ से सियासी भूचाल देखने को मिला। आज अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर पहुंचकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देनी थी, उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाना था, माला चढ़ानी थी, लेकिन अखिलेश यादव को परमिशन नहीं मिली, बल्कि वहाँ गेट को टीन शेड से ढकने का काम शुरू हो गया तो अखिलेश यादव बरस पड़े। कल रात को ही जेपीएनआईसी पहुंच गए और वहां पर भी जमकर योगी सरकार को घेर डाला। इसके बाद आज अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई, बैरिकेटिंग कर दी गई, आवाजाही पर रोक लगा दी गई, तो जेपीएनआईसी को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया। उधर सपाई मोर्चा खोलने के लिए बैरिकेट पर चढ़कर अखिलेश यादव का इंतजार करते नजर आए। अखिलेश यादव अपने घर से एक मूर्ति को बाहर लाते हैं और माल्यार्पण कर ये जयंती मनाते हैं और त्योहारों को लेकर योगी सरकार को जमकर घेर जाते हैं। वैसे अखिलेश यादव के इस तेवर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।